लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सिस्टम टेस्टिंग। ये लेक्चर में हम देखेंगे सिस्टम टेस्टिंग का इंट्रोडक्शन, एक एग्जांपल और कैसे सिस्टम टेस्टिंग को यूज करते हैं। इसमें हम पूरा सिस्टम को टेस्ट करेंगे ताकि हम ये कंफर्म कर सके सिस्टम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार काम कर रहा है या नहीं। हम एंड टू एंड परस्पेक्टिव से सिस्टम को टेस्ट करेंगे। अब एक क्वेश्चन आएगा, ये एंड टू एंड क्या है? एंड टू एंड मतलब स्टार्टिंग से लेके अंत तक। अब हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है लाइब्रेरी सिस्टम का। लाइब्रेरी सिस्टम के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, राइट? जैसे कि स्टूडेंट का मॉड्यूल है, एडमिन का मॉड्यूल है, एक लाइब्रेरियन का मॉड्यूल है। हम इसमें क्या चेक करेंगे? GUI चेक करेंगे, बटन्स के क्लिक चेक करेंगे और पूरा ओवरऑल फंक्शनलिटी ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर बुक इश्यू की फंक्शनलिटी को हम चेक कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे कि बुक इश्यू जो फंक्शन है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं? जैसे कोई बुक इश्यू की है तो उसका प्रॉपर फाइन कैलकुलेट होना चाहिए, कितने दिन हुआ है उस हिसाब से फाइन कैलकुलेट होना चाहिए, राइट? तो ये सारी जो चीज़ की जब हम टेस्टिंग करते हैं तो उसको कहते हैं सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग कब करते हैं ये भी क्वेश्चन है। बिफोर डिप्लॉयमेंट या तो रिलीज के पहले हम सारे सिस्टम को टेस्ट करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट्स गिवन, तो उसको कहेंगे सिस्टम टेस्टिंग। हमने पढ़ा सिस्टम टेस्टिंग के बारे में, एक एग्जांपल देखा और हमने ये भी देखा कि कब हमको सिस्टम टेस्टिंग करना चाहिए। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अल्फा टेस्टिंग।